हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 16 है होमवर्क का। सबसे पहले आपको लॉ के अंदर करने हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अकाउंट के अंदर आपको स्टार्ट करना है सिंगल एंट्री। और कॉस्ट के अंदर आपको स्टार्ट करना है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब मैं इन पर क्वेश्चन लिख कर दे देता हूँ आपको, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 4th, 5th भी है, 6th एंड 8th, 4th, 5th, 6th एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये तो आपको करने हैं दोस्तों प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। अब आ जाइए आप सिंगल एंट्री में। आप करिए स्टडी मैट खोल लेना अपना सिंगल एंट्री के अंदर। सिंगल एंट्री पता है कौन सा चैप्टर है? सिंगल एंट्री है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसी को सिंगल एंट्री कहते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड्स। पर एनपीओ के बाद वाला चैप्टर, ठीक है सर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आप सिंगल एंट्री में स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो हो गया। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे अपनी बुक के अंदर, जो कि स्टडी मैट से आपको मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका डे 16 का होमवर्क है सर, ठीक है। अब लॉ में आगे हम नया चैप्टर देखेंगे, और अकाउंट्स में भी नहीं, अभी सिंगल एंट्री चलेगा, कॉस्टिंग में भी प्रोसेस कॉस्टिंग चलेगा नेक्स्ट वाले होमवर्क के अंदर। आज के लिए बाय बाय।